जय हिंद, मैं हूं नवेद खान। आप देख रहे हैं चैनल एन वेब न्यूज और आपका फेवरेट प्रोग्राम खास मेहमान। दोस्तों, आज की हमारी खास मेहमान है अनीता सिंह जी, जो वर्तमान समय में इनर व्हील क्लब शास्त्रीनगर की प्रेसिडेंट हैं। आज बहुत सारी बातें होंगी अनीता सिंह जी से। वेल, इस वक्त मेरे साथ हैं अनीता सिंह जी, प्रेसिडेंट हैं शास्त्रीनगर इनर व्हील क्लब की। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल एंड वेब न्यूज पर। आज आप हमारी खास मेहमान हैं। 2017 चल रहा है मेरे ख्याल से, आपका समय जो है एज अ प्रेसिडेंट मेरे ख्याल से अगले महीने पूरा हो रहा है, तो कैसा रहा ये साल पूरा? मेरा साल तो बहुत अच्छा रहा और हमेशा ही मैं कोशिश करती हूँ अच्छा करने की जी, और अभी भी मेरी तरफ से अच्छा रहा, मैंने अपना बेस्ट दिया है और वैसे तो अच्छा करने की कोई सीमा ही नहीं है जी, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जाती है कि हम अपना बेस्ट दें। अच्छा, बेसिकली आप बिलोंग टू मेरठ या आपका शहर कोई दूसरा? मैं, मेरा मायका बुलंदशहर है। ओके। और मेरा हस्बैंड का घर सर अलीगढ़। ओके, ये क्वाइट डिफरेंट थिंग। आपके आप जो मायका है बुलंदशहर एंड हस्बैंड बिलोंग टू अलीगढ़, आप मेरठ में कैसे? मेरठ में बस यही इनका काम और वो थोड़ा सा एरिया वाइज, मतलब देख रहा कि यहाँ पे ठीक है, मेरी सिस्टर इन लॉ भी रहती है या मेरे कुछ रिश्तेदार है, तो सोचा कि यहाँ पे ठीक है। ओके, अनीता जी, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं क्लब की और पता चला है कि पिछले कई बार आप प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, तो ये जो पोस्ट है प्रेसिडेंट की, ये बहुत जिम्मेदारी की होती है? इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत जिम्मेदारी की भी होती है और इसीलिए आप मेरे को चार बार प्रेसिडेंट के रूप में, जैसा कि आपने सुना, बहुत जिम्मेदारी की होती है। और मतलब आप, बल्कि इनर व्हील में तो आप यही सोचिए, इंटरनेशनल लेवल का क्लब है, तो हमें यहाँ पे बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही मतलब सबको लेकर एक कड़ी जोड़कर हमें काम करना पड़ता है, तो ये नहीं है कि हम सबसे झगड़ा करें या किसी बात पर, तो एक लोगों के साथ में लेकर चलना एक बहुत बड़ा काम होता है और सारी जिम्मेदारी क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर होती है, तो इसलिए बहुत घबराते हैं लोग कि भाई हम ये जिम्मेदारी कैसे निभाएं, तो इसलिए बीच बीच में हमें रिपीट करना पड़ता है। बस सब लोगों को लगता है कि हम कहते हैं आप आगे आओ, मैं और मेरा तो बहुत विश्वास है टीम वर्क में और मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि मेरे क्लब में जो सीनियर्स हैं, जो पीटीसी हैं हमारी, तो वो जब कहती है ना मेरे से, तो मेरी हैबिट है, सबको पता है जो मुझे जानते हैं, कि अगर मैं कोई मेरे से कुछ कह रहा है तो यदि मैं उसकी कोशिश करूँगी, यस में अगर मैं कर सकती हूँ तो उसकी बात को करूँ, तो वो जब मेरे से कहते हैं नहीं अनीता इस बार और देख लो, तो फिर मैं कहती हूँ चलिए ठीक है, फिर जिम्मेदारी कंधों पे ले लेती हूँ, फिर मैं जिम्मेदारी ले लेती हूँ। ये वाला कार्यकाल पूरा हुआ इस साल का, इस वर्ष आपने क्या क्या कार्य किए आपके क्लब में, इनर व्हील क्लब? एक्चुअली जैसा कि आपने अभी कहा कि जून में हमारा कार्यकाल पूरा होता है, जुलाई से न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो जुलाई में हमारे ऊपर बर्डन आ जाता है कि क्योंकि हम ये क्लब सोशल वर्क से ही जुड़ा हुआ है, मेन इसका मोटो हमारा सामाजिक सेवा करना है और किस तरह से करना है, डिफरेंट हमारे एक्टिविटी है, ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक ही चीज़ से, तो उसमें जुलाई में बच्चों के एडमिशन्स वगैरह होते हैं, तो हमारा ध्यान उधर जाता है कि बच्चों के एडमिशन्स हम जितना हो सके हम कराएं, उनके एडमिशन फीस माफ़ कराएं जहाँ हमारी जान पहचान है, और या उनकी मंथली फीस कम कराएं, फिर उन बच्चों को जो ज़रूरत है स्टेशनरी के सामानों की, पेंसिल, रबड़ कॉपी जो भी, या बैग्स वगैरह, शूज़, जिससे कि बच्चे कम्फर्ट फील करें, उनको ये दिक्कत ना हो कि हमारे पास ये नहीं है तो हमें स्कूल जाने में हेजिटेशन हो रही है, गरीब बच्चों को। अनीता जी, आप किसी और क्लब से भी जुड़ी हैं इसके अलावा, इनर व्हील क्लब के अलावा? हाँ, मैं ऑलमाइटी क्लब से जुड़ी हूँ। उसमें कोई पद है या उसमें सिर्फ आप सदस्य हैं केवल? पद तो नहीं है, क्यों, पद मेरा मेन क्लब इनर व्हील है जो। मैं इसमें अपना ज़्यादा समय देती हूँ और ये मेरा जैसे घर कहते हैं ना, वो है, और जब हम एक साथ किसी से जुड़ जाते हैं तो डिमांड तो बहुत आती है, हमारा भी ज्वाइन करिए, हमारा भी, तो ऑलमाइटी क्लब में मेरी काफ़ी जान पहचान वाले थे तो वो ज्वाइन कर लिया, और लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पद में जब चाहूँ ले सकती हूँ, ऐसी बात नहीं। अब अनीता जी, बात चली क्लब्स की, तो आजकल मेरठ में देयर आर लॉट ऑफ क्लब्स, तो आपका जो क्लब है इनर व्हील क्लब, ये कहाँ उससे डिफरेंट है या उसमें क्या अलग है जो और सब में नहीं है? देखिए, अब तो एक तरह से आप देख रहे होंगे कि वैसे क्लब बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने ये कर लिया है कि क्लब्स के साथ साथ वो थोड़ा सोशल वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने शायद ये नोट किया हो। और वैसे होता क्या था कि इनर व्हील क्लब का तो मेन मोटो सोशल सर्विस है और एंटरटेनमेंट सेकेंड है,
रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब भी हमारी नवेली से कनेक्ट था तो वो भी बहुत जैसे काम करता है, लेकिन अब अदर्स भी देखा है मैंने क्लब भी कि वो भी सोचते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा काम कर लें सोशल में, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है कि हम एक एंटरटेनमेंट के लिए कर लें बस चलो ठीक है कहीं कर लिया, वो नहीं वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ इंटरनेशनल लेवल से हमारा सारा कुछ आता है, हर साल की थीम आती है और हर साल के प्रोजेक्ट्स आते हैं। मेरा सवाल ये रहता जी कि बहुत सारे क्लब्स हैं, आपका क्लब या इनर व्हील क्लब में क्या एक अलग बात है जो और क्लब्स में नहीं है या फिर होनी चाहिए? होनी चाहिए मतलब मैं हमारे क्लब में अलग बात यही है कि हमें ये सब काम करना ही है, हम इसीलिए मतलब जो इनर व्हील मेंबर बना है उसे इनर व्हील में आने से पहले सोच लेना चाहिए, उसके बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए कि एक्चुअली मैं जिस इनर व्हील से जुड़ रही हूँ उसका मेन मोटो क्या है, वो इससे भागे ना फिर कि मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है या बस एक साल ज्वाइन किया चले गए, तो ठीक है वो आप इसका मतलब आपने ढंग से सोचा समझा नहीं इनर व्हील को, अगर आप इनर व्हील में आ रहे हैं तो हमारा मेन मकसद यही है सामाजिक सेवा करना। मैंने कई और महिलाओं को इंटरव्यू किए जो कि बहुत सारे क्लब से जुड़ी हैं, तो एक शब्द मेरे सामने आया बार बार, दैट इज कॉल्ड राजनीति। अभी क्लब्स की जो राजनीति है एग्जैक्टली ये है क्या, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर, यू टेल मोर बेटर व्हाट इज एग्जैक्टली वर्ड राजनीति क्लब में होती है, राजनीति क्लब में ये राजनीति होती है वो होती है, तो लॉट ऑफ पीपल सेज ऑन माय स्क्रीन वो क्या है एग्जैक्टली? मैंने भी लिखा राजनीति के लोगों ने बोला तो राजनीति तो कहाँ नहीं होती, आप बताइए राजनीति कहाँ नहीं होती, और राजनीति तो जीवन में आपके हमेशा शुरू से लेके जब तक आप हैं जिस क्षेत्र में आप जाएंगे वहाँ आपको राजनीति के साथ काम करना पड़ेगा। राजनीति का मतलब है कि आप किसी मतलब आप सोचिए किसी पॉलिटिक्स के तहत आप कहीं तक पहुँचना चाह रहे हैं, ठीक है अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो राजनीति नहीं है, अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचे तो राजनीति है, राजनीति तो हर जगह है ना, फिर आप कहाँ बस सकते हैं राजनीति से, हमारी लाइफ में ही राजनीति है। अगर मैं अपने को कहीं बेटर देना चाहूँगी ठीक है तो मुझे मैं भीड़ से अलग अपने को कैसे आपको मतलब एक्सपोज करूँगी कि मैं भीड़ से अलग मेरा कुछ है, तो मैं वो सब चीज़ें फेस करते हुए मैं चाहूँगी कि गलत कुछ ना करूँ। वेल अनिता सिंह से भी बहुत सारी बातें करनी है लेकिन एक ब्रेक के बाद। जो पुराने गीत संगीत में कशिश है वो आजकल के गीत संगीत में बिल्कुल नहीं है। मैं सुनाऊंगा आपको वही पुराने गीत ओरिजिनल अंदाज में। सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, सी समथिंग डिफरेंट सी समथिंग न्यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वॉचिंग चैनल, मैं हूं नवेद खान और आज मेरी खास मेहमान है वर्तमान समय में इनर व्हील शासन गिरी प्रेसिडेंट अनिता सिंह जी। अनिता, आप एक परिवार है, दो बच्चे हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी आपके ऊपर क्लब की, तो ये का जो टाइम मैनेजमेंट है ये किस तरह मैनेज करते हो कि जब आपका परिवार भी कहीं पर आपको कमी ना लगे, बल्कि आपके पति को ना लगे कि पत्नी गायब है और बच्चों को माँ की कमी एहसास ना, और वहीं जो आपका क्लब है वहीं आप पूरी तरह बिल्कुल अलर्ट हो। ये मेरे को जो भी जानता है या जो मेरे पे क्लब लेवल पे जो मेरे को जानता है वो जानता है कि अनीता अकेले ही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा सकती है, और हर समय आप कोई भी समय मुझे दे दीजिए, आप मेरे को चाहे ब्रेकफास्ट हो रहा होगा उस समय घर में वो समय दे दीजिए, कोई समय दे दीजिए आप, मैं उस समय आपको घर में सारा कुछ सेट करके या सब कुछ करके मैं आपको आपका काम समय पर करके दूंगी। वो इसलिए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही एक अनुशासन ही आपको आगे बढ़ाने के लिए। आप कैसे करते हैं टाइम मैनेजमेंट? कैसे करती हूँ मतलब कि मेरे मैं करती हूँ हर तरह से, मेरे फैमिली का तो सपोर्ट रहता है नो डाउट, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के मेरे मतलब घर में नहीं है या अपने काम में बिजी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको कभी मेरी महसूस ना हो, तो मैं वो मेरे पास जो खाली समय होता है, बच्चे बाहर गए हैं, बेटा कॉलेज गया है, मैं सारा काम अपना सेट करके रखती हूँ और उनके सामने मैं ऐसे शो करती हूँ मतलब मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, या उनके सामने कभी मैं अपनी प्रॉब्लम रखती भी हूँ तो मेरे हस्बैंड खुद बहुत डिसिप्लिन है, तो मुझे यही कहते हैं कि आप अगर लिमिट से एक घंटा या कितना भी आप अपने किसी भी चीज़ के लिए बांध लोगी तो कोई दिक्कत ही नहीं, हफ्ते में भी बांध लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है। आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैंने तो ग्रेजुएशन
वेल वेल 12th क्लास, तो हु इज योर फेवरेट फिल्म एक्टर? मेरा तो अजय देवगन था सबसे। अजय देवगन। हु इज योर फीमेल एक्टर, आपकी कौन जो अदाकार है जिसे कहते हैं वो कौन है फेवरेट? फेवरेट तो एक्ट्रेस की एक्ट्रेस एक्टिंग में वही है कि काजोल या फिर जयप्रदा। जयप्रदा, जयप्रदा। बट वो जयप्रदा का पीरियड अलग है और काजोल का पीरियड बिल्कुल अलग है। हाँ नहीं मतलब एक्टिंग के तौर से जयप्रदा। एक्टिंग के तौर पे यू लाइक जयप्रदा। ओके, अगर कभी आपको खाली समय मिलता है तो वो खाली समय किस तरह आप व्यतीत करना पसंद करते हैं? खाली समय मिलता है सबसे पहले तो मैं अपना जो फैमिली का है सब मतलब व्यवस्थित रखने में, सब मेरी चीज़ को व्यवस्थित होना चाहिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद मेरे को पढ़ने का, बोलने का, सुनने का बहुत शौक। ये पढ़ना समझ में आया, बोलना और सुनना, ये किस तरह, ये क्या सुनना पसंद है और क्या बोलना पसंद है वो चाहता हूँ वो आप। वो सुनना मुझे ये पसंद है, जब मैं सुनती हूँ तो उसमें से मैं देखती हूँ कि वो उसके वो बोलने का अंदाज क्या है उसका, या वो क्या अच्छा बोल रहा है। जैसे मोदी जी हैं आजकल सबको छाए हुए हैं मोदी जी, तो जब भी मोदी जी का आता है मन की बात या कुछ मुझे पता चल जाए मोदी जी का प्रोग्राम आ रहा है तो मैं उसके हिसाब से सबको सेट करके बैठ जाऊंगी सुनने के लिए कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या मतलब उनका वो है पर्सनैलिटी है, क्यों लोग इनको इतना पसंद करते हैं। पसंद है क्योंकि हमेशा बचपन से मेरी हॉबी रही है एक्चुअली डिबेट में मैं पार्टिसिपेट, जब मैं पढ़ती थी तो पढ़ते समय मेरी बोलना डिबेटों में भाग लेना ओके, और स्पोर्ट्स वॉलीबॉल जैसे हमारा तो स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स में क्या क्या मतलब वॉलीबॉल में खेली हैं स्कूल टाइम में? कहीं ना कहीं एक मैसेज ये है एक वर्ग के अंदर या कुछ लोगों में कि क्लब जो होती है महिलाओं के उसे एंटरटेनमेंट होता है, वहाँ पे सिर्फ खाना पीना है और डांस कर घर पे आना। नहीं, जो ऐसा सोचते हैं गलत सोचते हैं। हमारे से जुड़ के देखिए ना, इधर भी इससे जुड़ के देखिए, हम बताएंगे कितना काम होता है, बहुत काम होता है। आप और जो लोग ये सोच के हमारे क्लब में आते हैं एक्चुअली सही मानिए तो हम ऐसे लोगों को ही एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, वरना हमें इंटरेस्ट नहीं होता है एक्चुअली। हमारा क्लब बहुत ज्यादा भर तो है। मतलब आपके क्लब का एंटरटेनर है वो इस सुन ले बात को कि यू आर इन द क्लब बिकॉज़ यू एंटरटेन द पीपल्स, क्योंकि आप चाहते हैं ऐसा, तो हम आपको जोड़े रखने के लिए। कविता या इस तरह में कुछ इंटरेस्ट है कहीं आपको? हां म्यूजिक में ही गाने सुनते हैं। कौन सा म्यूजिक आपको पसंद है? मुझे म्यूजिक देखिए, म्यूजिक के बारे में बात है तो पुराने गाने भी पसंद है मुझे, मैं आपके गाने भी मैंने सुने जैसा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं तो मुझे पुराने गाने पसंद है, लेकिन दर्द भरे गाने भी पसंद है, लेकिन उनको हम एक मूड होता है जब हम उनको सुन पाते हैं। Exactly. एक मतलब right. एक मूड होगा जब हम दर्द भरे गाने सुनेंगे और उस समय वो बहुत अच्छे हैं। पुराने गाने पसंद है मुझे क्योंकि आप एक सुनकार हैं, मतलब आपको पुराने पसंद है। तो एनी कमेंट अबाउट द म्यूजिक ऑफ 2017, जो आज का संगीत है या गीत है या सिंगर से, उनके लिए कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? कमेंट तो या कॉम्प्लीमेंट? देखिए पुराने गानों में एक्चुअली बात ये है कि नई भी ठीक है, नई जनरेशन को पसंद आ रहे हैं या जो नए, मैं सवाल मेरा सवाल तो अनिता सिंह से है। अनिता सिंह से तो फिर मेरे को तो यही है कि, और वैसे एक सच बात पूछूं बताऊं आपको, तो कुछ नई जनरेशन भी सुनना चाहेगी क्योंकि पुराने गानों में जो खनक है और जो हमको उनको मतलब एक छाप छोड़ जाते हैं हमारे ऊपर, वो आज के गानों में है ही नहीं। कुछ गाने आते हैं ऐसे तो, अब वो गाने हम क्यों गुनगुनाते रहते हैं, क्योंकि हम उनके मीनिंग होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, उनको हमें याद है। आज तक तो कौन सा गाना आया, थोड़े दिन रखा छाया चला गया, नॉट मोर देन वीक, याद ही नहीं रहता, एक हफ्ते में गायब हो जाता है। अब अनिता जी बताएं कि चैनल एन के जरिए जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हम लोग जो है खुद अपने को भी अपनी तरफ से भी मदद करें और निकल के आगे आए सामाजिक कार्यों में, कि चैनल्स के माध्यम से एक संदेश ये भी देना चाहूँगी कि कोई भी हो, हम लोगों को अपनी लाइफ में योग को महत्व देना बहुत ही ज़रूरी है, खासतौर से महिलाओं को। वेल दोस्तों, खास मुलाकात में आज बस इतना ही, कल मैं नवेद खान फिर आऊँगा चैनल एन पर प्रोग्राम लेकर, आपका फेवरेट शो खास मेहमान से मुलाकात कराऊंगा। जब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।